आगे बढ़ेंगे, जहां मुजफ्फरपुर के कुढ़नी इलाके का बम नहर का बांध टूट गया है। बांध टूटने से अफरा तफरी मच गई और फसलें डूब गई हैं, जिससे किसान त्राहिमाम कर रहे हैं। बांध टूटने की घटना आज अहले सुबह हुई है। फिलहाल अधिकारी मौके पर पहुंचकर जायजा ले रहे हैं। अधिकारी फसल क्षति का आकलन कर रहे हैं। उधर अब पानी घरों में पहुंचने लगा है और सैकड़ों घरों में अभी तक पानी प्रवेश कर चुका है। लोग पलायन भी करने लगे हैं। जो भी है कि सूचना दे दी गई है उनके द्वारा, जो भी एक मटेरियल है कि बाढ़ के रिस्टोरेशन करने के लिए उनके द्वारा लाने हेतु दो कॉन्ट्रैक्टर को बोल दिया गया है। कितने गांव की क्षति होगी इस बांध से पानी टूटने से? अभी तो हम लोग रिस्टोरेशन काम देख रहे हैं, उसके बाद हम लोग क्षति का आकलन कर लेंगे और तत्काल में देख रहे हैं कि इसको जल्दी जल्दी रिस्टोर किया जाए। ग्रामीणों के द्वारा कहा जा रहा है कि बहुत सारे क्षति फसल का भी हुआ है। हाँ हाँ, जो भी फसल की क्षति होगा हम लोग आकलन तो कर ही लेंगे ना, यहीं पर हम लोग मौजूद भी हैं और कर रहे हैं, अपना सर्वे कर लेंगे। पानी पे काबू कितना देर में पा लिया जाएगा? एक दो घंटे के अंदर काम इसका जो है चालू हो जाएगा। चंदन, इसी पर और ज्यादा जानकारी लिए हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। चंदन, जिस तरीके से बम नहर का बांध टूट गया है, लोगों में अफरा तफरी भी देखी जा रही है, फिलहाल क्या स्थिति बनी हुई है वहां पर? बता दूं कि आज दशहरा का पर्व है और दशहरा के पर्व में लोग जो है कि पर्व बड़े धूमधाम से मना रहे थे और इस बीच जो है कि अहले सुबह जो है बम नहर का बांध टूट गया है और जिसकी वजह से लगभग सैकड़ों एकड़ फसल में पानी प्रवेश कर गया है और घरों में भी पानी प्रवेश कर चुका है हुआ है। लोग काफी त्राहिमाम कर रहे हैं। हालांकि जिन लोगों के घरों में पानी प्रवेश किया है उन लोगों ने सड़क पर अपना किनारा बना लिया है और वहीं पर लोग रहने लगे हैं। लोगों का मानना है कि अचानक जो है कि बांध टूटी है। पिछले कुछ दिनों से वह जो है बांध रिसाव हो रहा था और बांध पर दबाव बढ़ने की वजह से यह बांध टूट गया है और जिसके बाद जो है कि तमाम पदाधिकारी उस इलाके का भ्रमण कर रहे हैं, स्थिति का जायजा लिया जा रहा है। वहीं पदाधिकारी का यह मानना है कि स्थिति पर पैनी नजर रखी हुई है और जो भी राहत सामग्री होती है और जो भी किसानों को अगर जो राहत उपलब्ध करवाई जाएगी, फिलहाल जो है कि वहाँ पर मंत्री भी पहुंच चुके हैं। बिल्कुल चंदन, बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।